हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपना क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर घटता और बढ़ता कैसे है और क्रेडिट स्कोर बढ़ने और घटने के क्या क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। यही सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पैसा बाजार ऐप को डाउनलोड कर लेना है। पैसा बाजार आप प्ले स्टोर पर जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि लिखा होगा फ्री क्रेडिट स्कोर, लोन्स, कार्ड्स एंड म्यूचुअल फंड। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे paisabazaar.com के ऐप में शो होने लगेगा और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपने कुछ डिटेल फिल करनी होंगी, लाइक जेंडर। तो आपका जो भी जेंडर है, आप मेल हैं या फिर फीमेल, आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम एंटर करना है, जो नाम आपके पैन कार्ड पर है तो वही आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी, जो आपके पैन कार्ड में है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपना पिन कोड एंटर कर लेते हैं। तो सारी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पैन, हमें यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर आपके मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से अटैच होता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी सारी डिटेल एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल एंटर कर दी है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और गेट योर क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है उस पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद ये लोड लेगा। लोड होने के बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं गेट योर क्रेडिट स्कोर। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी क्रेडिट स्कोर होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये लोड हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं लोड होने के बाद हमारी स्क्रीन पर हमारा क्रेडिट स्कोर शो होने लगेगा। यहां पर जिस नाम पर आपका क्रेडिट स्कोर होगा वो नाम शो होने लगेगा, आपका जितना भी क्रेडिट स्कोर होगा वो यहां पर शो होने लगेगा। मेरा क्रेडिट स्कोर 757 है और यहां पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बैड है, फेयर है या फिर एक्सीलेंट है या गुड है। तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो इस टाइम फेयर है, ठीक ठाक मेरा क्रेडिट स्कोर है, तो यहां पर 757 लिखकर आ चुका है। तो क्रेडिट स्कोर बढ़ने के क्या फायदे होते हैं और क्रेडिट स्कोर होने के क्या नुकसान होते हैं। देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है तो अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या फिर डाउन है तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ये क्रेडिट स्कोर बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है, चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आपने मोबाइल या फिर कोई भी प्रोडक्ट EMI पर परचेस किया है या फिर लोन लिया है और अगर आप उसकी EMI टाइम पर पे करते रहते हैं तो आपका हर महीने क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। और अगर आप EMI टाइम पर पे नहीं करते हैं तो हर महीने आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिक्रीज होता रहता है, डाउन होता रहता है। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पैसा बाजार ऐप में अपना क्रेडिट स्कोर वेरी इजीली चेक कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।